हाँ जी, मैं रुबीना के लिए सरप्राइज लेके आया था, तो मैं रुबीना से ये क्या पूछता हूँ, छुपाया हुआ है मैं रुबीना से इधर? पूछता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो रुबीना बताओ मेरे हाथ के नीचे क्या है। क्या है? नहीं बताओ कि क्या है। क्या है? दिखाया नहीं ऐसे नहीं, आप बताओ। यस करो, तो सही, यस करो, यस दिखाया करो, तो सही। यस क्या है? करो ना भाई। दिखाया नहीं बताया, यस करो। ऐसे मुझे क्या पता क्या है नहीं बताएं आप, इसमें मेरे हाथ के नीचे क्या है? कोई फ्रूट है, इसमें? कोई फ्लावर है, कोई और किनू गिफ्ट है? है? किनू? किनू रखा है? तो दिखाओ ना, किनू मुझे पसंद है तो इसलिए छुपा के रखा हुआ है। नहीं है इसमें कुछ, कुछ और चीज है जो मैं भी आपको सरप्राइज अच्छा, करूंगा, इसमें क्या तो है? देखने वाले, चॉकलेट सुनने है? वाले, देखने वाले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो जी, आप लोगों ने देखा ना ये वाला? वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर तो मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ, तो मैं फिर से वीडियो इसी के ऊपर क्यों डाल रही हूँ? तो आगे अच्छा खासा सरप्राइज़ है। पहले ये जो क्लिप आपने देखी है, इसके ऊपर आप लोग अच्छे से तवज्जो देना कि उसको नहीं पता था रुबीना को कि वो किन्नू लाया है, कि चॉकलेट लाया है, कि क्या लेकर आया है ना, उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। और वो सरप्राइज़ था, उसने ये भी बोला कि मैंने सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। तो ये बात रुबीना को बिल्कुल भी नहीं पता थी और उसको सरप्राइज़ दे रहा था डॉक्टर आमीन। हाँ, तो ये अमीन इसको सरप्राइज़ दे रहा था और कितनी एक्साइटेड थी रुबीना, आप लोगों ने ये भी देख लिया। और बेचारी को इतना अच्छा सरप्राइज़ मिला कि उसने पूछी कि आप लोग खुद बताओ, ऑडियंस से पूछ रही थी, आप लोग खुद बताओ कि मैं ऐसे रोज़ रोज़ सरप्राइज़ लूँ या मैं अपने घर चली जाऊँ। मतलब पूछ रही थी, ऑडियंस से पूछ रही थी कि मैं क्या करूँ, आमिर के साथ रहूँ, रोज़ रोज़ सरप्राइज़ लूँ। तो ये सारे इसके बातें आप लोगों ने सुन लिए होंगे। बाकी वीडियो में क्या है आगे, ये वाली क्लिप भी आप लोग सुनो, उसके बाद में फिर मैं भी आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगी। आप लोगों को बड़ी मज़ा आएंगी सरप्राइज़ देख के। तो पहले ये वाली क्लिप सुनो। ये आप मेरे लिए अंगूठी लेके आए नहीं, हैं? आपके लिए मैं अंगूठियाँ लेके आया हूँ, गोल्ड की। अंगूठियाँ? हाँ जी, मैंने तो कहा एक अंगूठी है, एक नहीं है, दो है ये। दो है? हाँ जी, तो जी सुना आप लोगों ने, वो उसके लिए अंगूठी लेकर आया था और वो भी एक नहीं दो। और उसको पता ही नहीं था बेचारी को कि इसके लिए उसने क्या गिफ्ट लेकर आया है। देखो मासूम सी चुबीना कितनी खुश हो गई ना बेचारी। बाकी आगे देखिए। नहीं, ये देखें, अमीन ने मुझे ये दो अंगूठियाँ गोल्ड की पहनाई हैं और उन्होंने कहा है कि आप मेरे साथ रहेंगी तो रोज़ आपको गिफ्ट मिलेंगे। अब मैं, आप बताएं मैं क्या करूँ, रोज़ के गिफ्ट लूँ इनसे? तो जी अंगूठियाँ आप लोगों ने गौर से देख ली ना, और इसकी बातें भी आप लोगों ने सुन ली, तो अब ये देखिए। ये देखें, जब मैंने बनाई दो अंगूठी तो ये देखें, अब मैं ये जाके घर पूछूंगी सबसे कि अच्छी लग रही है या नहीं। चले ठीक है। तो जी आप लोग ये डेट देख लीजिए, तारीख देख लीजिए, और जो इसने अमीन के साथ में वीडियो बनाई वो देख लीजिए। दोनों अंगूठियों को मिला के देख लीजिए। मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो पहले ये वाली अंगूठी देख लीजिए, डिजाइन देख लीजिए आप लोग। जब ये डीडी दल्ले की वाइफ के लिए शॉपिंग करने गई थी, डीडी दल्ले की जो शादी है उसको एक्सपोज करने से पहले, ये तब का वीडियो है। अब दूसरी वाली भी देखिए, तो दूसरी वाली अंगूठी भी देख लीजिए, सेम डिजाइन है। और ये जब खुद शॉपिंग करने गई थी तब इसने ये दोनों अंगूठियाँ खरीद के लेकर आई थी, और इसने अपने वीडियो में भी दिखाई थी। इसने बोली थी मैं घर जाके सबको दिखाऊंगी, सबको पसंद आती है कि नहीं आती है। फिर बाद में इसने क्या किए, आमीन को वो अंगूठियाँ दे के और उसको बोलिए कि मुझे सरप्राइज़ दो। तो आप लोग खुद देख लो कि बेचारी को पता ही नहीं था कि आमिन इसको क्या सरप्राइज़ देने वाला है। मतलब कितनी अजीब बात है ना। और आमिन अभी अभी आया है भाई, वो बाहर रहता था, उसको तो पता ही नहीं था, उसकी माँ मरी ना तब आया है वो। तो देख लो आप लोग के कितने ड्रामेबाज और कितने झूठे और मक्कार लोग हैं। ये तारीख भी देखिए आप लोग, अंगूठी इसने 29 दिसंबर को खरीदी है। दोनों अंगूठियाँ खुद ही खरीद के लेकर आई है ज्वेलर्स के पास जाके, और फिर बाद में जो वो ड्रामा था, मुझे इतनी हंसी आ रही है कि सरप्राइज। वाह यार, मुझे सच में हंसी आ रही है, गुस्सा कम हंसी ज़्यादा आ रही है कि कितने ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं लोग ऑडियंस को,
के कुछ भी दिखाएंगे, कुछ भी बोल देंगे और ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है ना कि वो मान जाएंगी। अब ये देखिए, ये 5 फरवरी, वो 29 दिसंबर को इसने अंगूठी लेकर आई है और 5 फरवरी को ये उसके हाथ में, अमीन के हाथ में दे के इतनी एक्साइटेड हो रही है कि अंदर की नू है, अंदर चॉकलेट है, अंदर क्या है बताओ ना, 16 साल की कन्या कुआरी को। तो ये इनके ड्रामे हैं भाई, ये इनके फ्रॉड पने है, ये इनका झूठ है जो कि लोग बिल्कुल भी नहीं सुधर सकते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि लोग खुद इतने बेवकूफ़ है या इन लोग ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ समझते हैं। पता है आप लोगों को, इन लोग बेवकूफ़ नहीं है, इन लोग है ना ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते। इन लोगों ने देख लिए है कि पिटारा सामने के सामने इतना बेवकूफ़ बनाती है, इतना झूठ बोलती है, फिर भी ऑडियंस हमारे चैनल चला रही है, पिटारा को इतना आगे बढ़ा दी है ऑडियंस ने। तो इनको ये बात तो समझ आ गई है कि बेवकूफ़ हम नहीं ऑडियंस हैं, इनको ये बात समझ में आ गई है। तो भाई ये सारी चीज़ें देखो और अपनी आंखें खोलो और इन घटिया लोगों को सपोर्ट करना बंद करो। आप लोग दोनों अंगूठियों को मिला के देख लो, जूम करके भी बता दी, आप लोग डेट और तारीख वगैरह सब देख लो, चुबीना की वीडियो देख लो, वो गई थी डीडी दल्ले की वाइफ के लिए ये सारा कुछ लेने, तब इसने लेकर आई है वो, और वो वीडियो भी अभी तलक के इसकी वाईटी पे ही पड़ी हुई है। वो वीडियो के अंदर इसने ये अंगूठियाँ पहन के दिखाई है और इसके अंदर डब्बी में डाल के उसको दिखा दी और बोल दी कि ये मुझे गिफ्ट मिल रहा है। तो सोचो आप लोग, जब अंगूठी को लेके लोग इतना झूठ बोल सकते हैं तो पीछे से कितना सारा ये लोग नहीं करते होंगे और कितने बड़े बड़े झूठ नहीं बोलते होंगे। तो ये जो आमीन ने बोला है ना कि मैं बाहर था, मेरी अम्मा मर गई तो मैं आया, तो ये सारी बातें भी झूठ है, ये कहीं पे भी नहीं था, ये यहीं पे था। हर महीने 2 महीने में चुबीना इसी के पास आती है, वो इसकी वाइफ है जिसके साथ में ये छोटे छोटे बच्चे छोड़ के भागी थी, वो यही आदमी है, इसके निकाह में है चुबीना, और वो हर महीने 2 महीने में इसी के पास में आती है। और बस इतनी सी इनकी डील थी, वो बोलता था गांव में आके रहे, ये बोलती थी कराची में आके रहे, जो कि दोनों जने एक दूसरे को समझने और मानने के लिए तैयार नहीं थे। और मैं आप लोगों को जैसे ही अमीन के बारे में पहले ही बताती थी, आप लोगों ने पता नहीं, कुछ लोगों ने विश्वास किए थे, कुछ लोगों ने नहीं किए थे, तो आप लोग देख लो वो सारी बातें आज मेरी सच्ची साबित हो गई है। और एक ना एक दिन ये बातें भी सच्ची साबित होंगी कि कराची में भी इसका अफेयर चल रहा है, निकाह नहीं किए उसके साथ में लेकिन अच्छा खासा अफेयर चल रहा है। और तीसरा, वो जो छोटी बाजी का जो नौकर था ना, उससे भी इस चुबीना का अफेयर है, ठीक है। वो तो घर पे भी आता है भाई, रातें भी निकाल के जाता है घर पे आके। और ये सारी बातें है ना मेरी सारी के सारी सच्ची है, और आप लोग देख लेना एक ना एक दिन सच्ची साबित भी हो जाएंगी जैसे ये वाली हुई है। तो इनको देखना बंद नहीं करोगे ना तब तलक के लोग नहीं सुधरने वाले। सोचो आप लोग कितना गंद, कितना गंद ये लोग वाईटी पे दिखा रहे हैं कि बेटा वहाँ पे हनीमून मना रहा है, ये अम्मा को देखो भाई, अरे जवान तेरे पोते होने आए हैं, नवासे होने, नवासा पैदा होने वाला है, पोते देख, तेरा अली को देख ले, टीनेजर्स हो गया है, जवान होने आया है, और ये क्या हरकतें दिखा रही है। दादी है ना ये उसकी, क्या दिखा रही है कि मुझे बड़ी खुजली है और मैं आदमी साथ में लेके घूम रही हूँ। वहाँ पे बेटे को देखो तो बीवी बच्चों को छोड़ के जाके छमिया के पास में हनीमून मनाते घूम रहा है, यहाँ पे ये हरकतें कर रही है। वहाँ पिटारा को देखो तो वो अलग गंदगी मचा के रखी है। साजिद को देखो, दूसरी शादी किया है बोलता है लेकिन वाइफ का कोई अता पता नहीं। तो ये सारा जो गंद इन लोगों ने पूरा मैस जो YTV पे फैला के रखे है ना, इससे एक तो इस्लाम, दूसरा इनका ही देश गंदा हो रहा है। लोग यही बातें करते हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, क्या वहाँ पे ऐसा होता है, इस तरह की बातें हो रही है। पता नहीं वहाँ वालों को, किसी को ये सारा कुछ नज़र क्यों नहीं आता और कोई इनको रोकता क्यों नहीं है कि आप लोग हमारे देश का नाम ख़राब कर रहे हो। इस्लाम का तो नाम इन लोगों ने
इतना ख़राब करने की पूरी पूरी मतलब कर ही डाले बोलेंगे तो। लेकिन इस्लाम ये नहीं है, ये लोग कोई भी धर्म के नहीं है। ये लोग एक तो गंदगी करना, जैसे कि जिस्मानी ताल्लुकात, उसमें एक तो इन लोगों को चाहिए, दूसरा पैसे। ये दो चीज़ के लिए ना इन लोग अपने बाप को माँ को भी नहीं जानते और ना ही औलाद को इन लोग पहचानते। देख लो, डीडी दल्ले ने इसकी कहानी सुनाया था कि हम छोटे थे ना तो हमारी माँ भाग गई थी। तो सोचो कि कितनी इसके अंदर हवस थी जो ये औरत छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भाग गई थी। और वो जो बातें इसने फैलाई थी ना कि ये अकबर इसको मारता था, इसको तकलीफ़ देता था, तो ये करता था, वो करता था, वो सारी बातें भी आज झूठी साबित हो गई। इस तरह की औरत है ये, जो इतनी जो ये घटिया औरत है रुबीना, आप लोगों को लगता है कि इसको अकबर मारता होगा और ये मार खा लेती होगी? जिस तरह से ये अभी अमीन को अच्छा दिखाने के लिए खुद अंगूठी खरीद के लाई और उसको दे के गिफ्ट ले रही है, सारा कुछ इसने प्री प्लान सेटअप करके सारा कुछ जो दिखाई है, इतनी शातिर औरत को कोई आदमी मार सकता है? तो वो जो इन लोग आयशा के ऊपर कहानी सुनाते हैं ना, उसका अफेयर था, वो भाग गई थी, वो असल में कहानी रुबीना की थी, आयशा की नहीं। और देखो पिटारा की वजह से सेटअप करना भी सीख गई ना, मतलब वो बोलते हैं ना स्क्रिप्ट लीक लीक के काम करना सीख गई ना ये, स्क्रिप्ट पे कैसे लिखी, कैसे मतलब पूरा ड्रामा की और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाई। खैर चले, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।